हेलो गाइज़, व्हाट इज़ अप, व्हाट इज़ अप, व्हाट इज़ अप। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज का व्लॉग तो गाइज़ मेरे पास आज का कोई व्लॉग नहीं था डालने के लिए, और आज मैंने फाइनली हार मान ली थी कि मेरे को 365 डेज़ कंटिन्यू नहीं करने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटल इशू से डील कर रही हूँ, और मेरे लिए बहुत टफ है कि सब कुछ कंटिन्यू करना, व्लॉगिंग करना, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा रोज़ क्या व्लॉग करूँ, क्या व्लॉग करूँ। तबीयत ख़राब का बार बार मेरा मन ही नहीं था बनाने का। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कल कि काजल जी मत इतना डीमोटिवेट हो, बेशक एक मिनट का व्लॉग डाल दो या दो मिनट का, पर डाल दो ज़रूर, और प्लीज़ प्लीज़ व्लॉगिंग मत छोड़ो, स्ट्रीक मत तोड़ो व्लॉग्स की। 2 महीने से आप रेगुलर व्लॉग कर रहे हो, हमने आपको देखा जिस दिन आपने डे में 3 व्लॉग भी बनाए थे, और उतनी मेहनत की थी सिर्फ ताकि आपके व्लॉग्स टूटे ना, बैकअप में रहे, तो अब क्यों तोड़ रहे हो आप? बेशक एक मिनट का डालो, 2 मिनट का डालो। और सबने इतने बड़े बड़े इतने पॉजिटिव कमेंट्स किए, मेरे को देख के अच्छा लगा। पर कल से पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है कि मेरा मन ही नहीं है व्लॉग करने का। ऐसे होता ना कि इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ भी मैं पॉजिटिवली नहीं ले पा रही हूँ, सब नेगेटिव भी लग रहा है मुझे, तो वही हो रहा है मेरे साथ। बाकी मेरा किसी से बात करने का ही मन नहीं है, और मेरी वजह से घर की सिचुएशन बहुत अजीब हो गई है, मतलब माहौल बहुत अजीब हो गया घर का। पापा मम्मी बहुत टेंशन में, मेरा वेट भी पिछले 5 दिनों में आई गेस मेरा 6 kgs वेट कम हो गया है, और मेरा मुंह ऐसे पिचक गया है, गड्ढों में चली गई है मेरी आंखें। मैंने पिछले 5 दिनों से मिरर नहीं देखा था, और व्लॉग कर रही हूँ मतलब वहाँ कैमरे में अपनी शक्ल देखी है, पर मिरर नहीं देखा था। तो मैंने आज उठ के देखा तो मैं ऐसी थी नहीं, पर मुझे लगता है कि शायद कभी कभी इन लाइफ कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है आपका कि बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो आई गेस मेरा अभी वही टाइम है। बट मुझे इससे आउटग्रो करना है, आउटग्रो ही कहते हैं आई गेस, क्योंकि मैं इस चीज़ को या फिर ऐसे टाइम को अपने ऊपर अब हावी नहीं होने देना चाहती। मैं इधर कैमरे पे आके बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर जाती हूँ, बट गाइस जब खुद अकेले इंसान लेटता है फिर वो सोचता है बहुत सारी चीज़ें, सोचता रहता, फिर ये सब बातें काम की नहीं रहती। पर मुझे अभी ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गई कि कोई मैटर नहीं करता गाइस, कोई भी यारी दोस्ती कुछ नहीं होती, एंड में सिर्फ तुम हो तुम्हारे लिए और कोई नहीं है। कोई तुम्हें आके नहीं उठाने वाला, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, तुम्हें खुद करना पड़ेगा खुद के लिए सब कुछ, और खुद को खुद सपोर्ट करना पड़ेगा बस, और तो कुछ नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या ही ब्लॉग करूँ, मैं क्या ही बताऊँ तुम लोगों को, क्या ही बोलूँ। बस मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ और इतनी ग्रेटफुल हूँ कि तुम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, इतने बड़े बड़े मैसेजेस शिल्पा को भी भेज रहे हो, मुझे भी भेज रहे हो, और समझा भी रहे हो कि काजल दी फाइट ही हुई है ना आपकी, आप क्यों नहीं ओवरकम कर पा रहे हो। फाइट सबकी होती है, हमारे घरों में भी फाइट हो जाती है, बट काम करना नहीं छोड़ता कोई उसकी वजह से। तो तुम सही कह रहे हो बिल्कुल, कोई काम करना नहीं, किसी का कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं छूटता, सब अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं, बट पता नहीं क्यों किसी एक बंदे को ही ज़्यादा अफेक्ट होता है, और शायद वो बंदा मैं ही हूँ अपनी लाइफ में। कुछ भी चीज़ हो जाती है ना मेरे घर में भी या मेरे फ्रेंड सर्कल में भी या कुछ भी, तो वो सिर्फ मुझे ही अफेक्ट करती है। मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा, वो पार्टीज़ करते हैं, वो इंजॉय करते हैं, वो चिल करते हैं लाइफ में, पर मुझे ही अफेक्ट करती है वो चीज़ें सारी। तो पता नहीं ये ऐसा भगवान ने मुझे क्यों बनाया, मेरे को कभी समझ नहीं आई ये चीज़। तो बाकी अभी मेरे मतलब घर में मैंने किसी से कभी कुछ शेयर नहीं करा, ना किसी को कुछ पता कि मैं किस चीज़ से डील कर रही हूँ, कुछ जो भी पता है वो सिर्फ व्लॉग देखती है मेरी मम्मी और रिज्यूम कर लेती है, वो भी बहुत परेशान है, पर मैं उन्हें परेशान नहीं देखना चाहती बिल्कुल भी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे फिर से सब रीस्टार्ट करूँ, फिर से लाइफ को वैसे ही हैपनिंग बनाऊँ एकदम से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइज उस चीज़ में। और पर मैंने एक चीज़ की सीख ले ली कि यारी दोस्ती कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मैं तुम सबको भी बोलूँगी
फ्रेंड्स के पीछे कभी भी लाइफ में अपनी फैमिली को इग्नोर मत करना। अगर डे वन में तुम्हारी फैमिली तुम्हें कह रही है ना ये दोस्त तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो मान जाना उस बात को। मैं 2 दिन से वही सेम कपड़े पहने हुए हैं, सेम जगह पे बैठी हुई हूँ एक ही कमरे में। शायद ये बहुत डिप्रेस्ड फेस है और मुझे इससे बहुत जल्दी ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ में मैं हूँ, जिस फील्ड में हूँ, मुझे रोज़ व्लॉग्स बनाने हैं, मुझे रोज़ वीडियोस बनानी हैं, और मैं अपने बहुत कामों से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ हद से ज़्यादा। मेरा इंस्टा डेड हो चुका है बिल्कुल, उस पर कुछ मैं पोस्ट नहीं करती, कुछ नहीं। और मैं व्लॉग्स भी छोड़ने वाली थी, पर मुझे गलती करनी है। कल मैं कितने अच्छे से बोल रही थी कि नहीं, मैंने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है चाहे कुछ हो जाए मैं व्लॉग्स बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी। कल मैंने जैसे ही व्लॉग बनाया, उसके बाद कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई कि उन लोगों ने और मुझे डीमोटिवेट कर दिया। तो मैं रात को सोई और मैं अब रात को उठी हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया अब तक, मैं खाना खाऊंगी व्लॉग डालने के बाद। और बस मुझे स्ट्रांग रहना है, आई होप इट टाइम जल्दी निकल जाए और मैं लाइफ में थोड़ा ग्रो कर पाऊँ इस चीज़ से। एक बार मैंने एक कोट पढ़ा था कि हार्ट ब्रेक इन फ्रेंडशिप हर्ट्स मोर देन इन रिलेशनशिप, तो वही हो रखा है मेरे साथ कि थोड़े यार दोस्त चले गए हैं तो लड़ भिड़ के, तो मुझे बहुत दुख है। मैं उसको ऐसे डिप्रेशन में, मतलब डिप्रेशन वाले फेज में लेके बैठ चुकी हूँ चीज़ को, और आई होप वो भी लाइफ में अच्छे से ग्रो करे और मैं भी। और मैं कभी ब्लॉग करना ना छोड़ूं, अच्छे से ब्लॉग बनाती रहूं। यार मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। बस थैंक यू सो मच जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे, इतने अच्छे अच्छे मैसेज किए थे। यार थैंक यू सो मच, तुम लोगों की वजह से मैं उठ पाई और इतनी हिम्मत हो पाई, कैमरा पकड़ के बैठी हूँ अभी ब्लॉग कर रही हूँ। एक दो गिने चुने दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे बचपन से, उनके भी कॉल्स आई कि काजल बना मत करिए सभा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ। उन लोगों का सहारा है या फिर अपनी मम्मी को देखती हूँ तो फील होते कि मुझे इनके लिए करना है। किसी का कुछ नहीं जाएगा, पर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है। जो गलती मैंने पहले की थी, अपना काम छोड़ दिया था, सब छोड़ दिया था सिर्फ दोस्ती के पीछे, अब मुझे वो नहीं करना। जो लोग चले गए हैं बाय, उनको अच्छे से आई विश वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करें, बट अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और बहुत अच्छे से काम करना है, कॉन्टेंट बनाना है।